हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं इस वीडियो में लॉन्च करने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन मास्टर क्लास का सेकंड बैच। जी हाँ फ्रेंड, फर्स्ट बैच बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। जितने लोगों ने वहाँ पे इनरोल किया है बहुत अच्छी वैल्यू उनको मिल रही है, सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं बेटर वे में वो रन हो रहा है, बट ये है कि उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं लगातार वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कंटिन्यूसली टोटल डेडिकेशन के साथ मैंने उस बैच के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, वर्क किया हुआ है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस बैच में आते हैं, मीन सेकंड बैच में एनरोल होते हैं, तो आप किसी भी टॉप कंपनी का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, जो लोग एमआर बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं बिल्कुल आपको यही बोलूँगा, आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है और जो इसका क्यूरिकुलम है, ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप जरा इसको देखिए, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। अगर इस कोर्स को आप बाहर कहीं भी करने जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, तो आपको वो कोर्स कॉस्ट कर गया 30 to 60,000 रुपीज़ इन द इंस्टीट्यूट। बट ये मैं बहुत इकोनॉमिकल वे में दे रहा हूँ, और सिर्फ सिर्फ के इस इकोनॉमिकल प्राइस में देने का फ्रेंड एक ही रीज़न है कि मैंने भी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एज वेल एज बहुत ही छोटे लेवल से एमआर का प्रोफेशन स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। मैं एक टाइम ऐसा था मेरे पास जब मेरे पास बाइक नहीं थी इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट मेरा हो चुका था बट मेरे पास बाइक नहीं थी मैं इस प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। बट मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं उस चीज़ों को झेल चुका हूँ, उन चीज़ों को देख चुका हूँ, भी इसी वजह से इसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा हुआ है, ओनली 699 रुपीज़। जिसके इस प्राइस में हर एक बंदा, हर एक तबके का आदमी जो है, जो अभी पास आउट है, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, पूरा पुअर फैमिली से फ्रेंड बिलोंग करता है, हर एक बंदा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इतना छोटा फीस हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए मैंने इस फीस को इस लेवल पर रखा कि एटलीस्ट जो अगर इस प्रोफेशन में आना चाहता है, करियर बनाना चाहता है फ्रेंड, वो इस फीस को अफोर्ड कर सके, ठीक है। कौन कौन से लोग एमआर बन सकते हैं उसकी मैं एलिजिबिलिटी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे चैट करते हैं। देखिए, इस कोर्स को ज्वाइन करने में कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका हो, या फिर ग्रेजुएशन लास्ट आपका मींस रिजल्ट वेटेड हो, मींस आप लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का आपका एग्जाम होने वाला हो। बी फार्मा जैसे लोग हैं, बी फार्मा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला हो या एग्जाम हो चुका हो, बीए बीएससी का लास्ट ईयर का एग्जाम आप दे चुके हो या फिर देने वाले, मींस कोविड की वजह से क्योंकि सेशन थोड़ा सा पीछे हुआ था, जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग एग्जाम देने, मींस लास्ट जो पास आउट होने वाले हैं वही कैंडिडेट इसके अंदर एनरोलमेंट करें। अदरवाइज क्या होगा कि आप सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, एनरोलमेंट के लिए मुझसे पूछते हैं, तो डियर यहां पे एनरोलमेंट है इसलिए, क्योंकि फर्स्ट बैच में मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ऐसे एनरोल करने के लिए बोला था जो सेकंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे, तो मैंने उन लोगों को डिनाई कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आती है, बहुत टाइप से लोगों को आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप बीए हो सकते हैं, बीएससी हो कर सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, या कोई ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यह है। सेकंड रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 27 या 27 से बिलो होनी चाहिए, उसके ऊपर की एज को ज्वाइन करके इस कोर्स को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 27 जो है अच्छी कंपनी के लिए आउटडेटेड एज होती है फार्मा के अंदर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इसको ज्वाइन कोर्स को मत करिए, ठीक है। या फिर आप पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हैं एज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर, जो ये व्हाट्सएप नंबर यहां पे बोर्ड पे मैं दे रहा हूं अभी स्क्रीन पे आएगा, तो वहां से थ्रू आप मुझे चैट में बात कर सकते हैं। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग 27 या 27 के बिलू हों वही इस कोर्स को ज्वाइन करें, तभी उनको अच्छी कंपनी मिल पाएगी, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट आपको इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए फ्रेंड। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना तो नहीं सिखाऊंगा, अगर आपको इंग्लिश बुक रीड करने, अगर आपको स्पीक करने में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बट अगर आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, इंग्लिश के वर्ड आप नहीं पढ़ पाते, आपका कम्युनिकेशन इतना पुअर है कि आप इंग्लिश के वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, तो भी आप इस कोर्स को मत ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी मैं नोट्स दूंगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, जो बातें होंगी, जो टर्मिनोलॉजी होगी वो इंग्लिश में होगी, आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको इस लेवल पर डाउन द अर्थ जाकर नहीं समझा पाऊंगा कि मैं पहले आपको इंग्लिश समझाऊं किसी को भी व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि 30 डेज के अंदर मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो ऑलरेडी जो मैं जो ये करिकुलम दे रहा हूं ये ऑटोमेटिकली काफ़ी
बड़ा है, काफ़ी बृहद है। इसको सिर्फ मुझे पढ़ाना ही नहीं होता है, टीचिंग ही नहीं करना होता है, इसकी मुझे प्रैक्टिस भी करानी होती है। मैं कंटिन्यूसली वेबिनार करता हूँ, उसके बाद मैं 1-to-1 इंटरव्यू करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करता हूँ, वेबिनार करके बात करता हूँ। मैं हर एक तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता हूँ, और इंटरव्यू प्रिपरेशन इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अब जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो टोटल ऑनलाइन होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते समय जो भी मिस्टेक्स होती है उसको मैं बताता हूँ, उसको लोग करेक्ट करते हैं। और ऐसे ऐसे मेरे जो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे जो फर्स्ट बैचेस में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जब स्टार्टिंग में आए थे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाए थे। और आप अभी ये कोर्स मतलब एंड की तरफ है, जो है मीन्स भाई कुछ वेबिनार्स में रह गए हैं, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी उनका स्टेटस ये है कि वो अपने आप को बहुत ही फ्रेंकली और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। बट इसमें एक ही चीज़ है, जब तक आपका इनिशिएटिव नहीं होगा फ्रेंड, तब तक आप इसको लर्न नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आपको टास्क दिया जाएगा, आपको मैं नोट्स दूंगा, आपको मैं वेबिनार दूंगा, वेबिनार के थ्रू समझाऊंगा, आप मुझसे वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अभी वीडियो के माध्यम से जैसे मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ तो सिर्फ आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते हैं। पूछने का ऑप्शन है कमेंट बॉक्स, बट इसमें रिप्लाई लेट करता हूँ, जब मुझे फ्री मिलता है, टाइम मिलता है तभी मैं रिप्लाई करता हूँ। बट इस कोचिंग क्लास में क्या होगा, ये जो ट्रेनिंग क्लास है इसमें आप तुरंत, जब भी वेबिनार हम कर रहे होंगे, वेबिनार फिनिश होने के बाद मैं इसमें सेशन लेता हूँ, जिसका कोई भी डाउट होगा सभी डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी और भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो कभी भी आप मुझसे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, एज वेल वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं, मीन्स अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फार्मा में ज्वाइन करना चाहते हैं, फार्मा में अपना करियर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, क्योंकि फार्मा सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है फ्रेंड। चाहे पैंडेमिक सिचुएशन अभी आ गया, सभी फील्ड डीग्रोथ है, बहुत सारे फील्ड शट डाउन हो गए, बहुत सारे फील्ड डीग्रोथ में जा रहे हैं, बट फार्मा इवन दैट अप्रैल के अंदर भी 10% ग्रोथ शो किया है, ठीक है। तो ये क्योंकि लाइफ का हमारा पार्ट है, फार्मा मेडिसिन क्या है, हमारी लाइफ की पार्ट होती हैं। तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ये फार्मा बंद हो जाए, दिस इज़ द ग्रोइंग इंडस्ट्री, और ये हमेशा ग्रो करती रहेगी। जब तक हमारी लाइफ तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। और एक बुरी कंपनी से स्टार्ट करने से बजाय अगर आप 600-700 रुपीज़ स्पेंड करके एक टॉप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो विद इन सिंगल मंथ आपका वो पैसा रिकवर हो जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, आपके प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन उस लेवल पर नहीं है, आप छोटी कंपनी एक ज्वाइन करते हैं, आपको पैकेज मिलता है 1.2 का, 1.3 का, सेम टाइम फ्रेंड अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं या प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, जरूरी नहीं मैं बोलता हूं मेरा कोर्स करके आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरा 100 इंटरव्यू सीरीज का वीडियो अवेलेबल है, एज वेल एज बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं। अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से ही पढ़ सकता हूं, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कोर्स के लिए, खुद से पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। बट अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपको कोर्स भी देता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है। वहाँ आपके पास वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ इस कोर्स के थ्रू आपके पास टू वे कम्युनिकेशन होता है। मंस मैं अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, वहाँ मुझे सुनने के साथ आप मुझे सुना भी पाएंगे, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो अगर किसी बुरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे आपको पैकेज मिलेगा 1.2-1.3, बट अगर कोर्स करके किसी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू को फ्रेंड क्रैक करते हैं आप, तो आपका जो फर्स्ट मंथ का इनकम आएगा वो इस कोर्स के कई गुना, फीस के कई गुना ज़्यादा बढ़ के आएगा, ठीक है। आपको पैकेज मिलता है 1.8, 2.2, 2.5, 3 लाख समथिंग अराउंड ऑफ पैकेज ग्रैब कर सकते हो फार्मा कंपनी के अंदर। तो दिस इज द डिफरेंस जब आप एक अच्छी कंपनी को क्रैक करते हैं इंटरव्यू को, या फिर आप किसी छोटी या पीजी बेस्ड कंपनी के साथ अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने करियर का स्टार्टिंग कैसा रखना है। दूसरी बात यह भी कि देखिए, अगर आप अच्छी कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको लर्निंग भी सही मिलता है। 1-2 साल हम ऐसे निकाल देंगे सिर्फ लर्निंग लेने के, छोटी कंपनी में जाएंगे वहां से हम लर्निंग लेंगे, और लर्निंग भी उस लेवल का नहीं होता। बट अगर आप टॉप कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो वहां पर लर्निंग मिलता है, जो वहां पर स्किल मिलता है, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और सोसाइटी में जो आपकी इमेज होती है मार्केट के अंदर वो अलग होती है इन कंपेरिजन टू द अगर आप कोई पीजी बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, मैंने यहां पे अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। रिक्वेस्ट यही सभी लोगों से, प्लीज डोंट कॉल मी, क्योंकि मेरे बहुत ह्यूज नंबर में कॉल्स आ रही है मेरे पास, जो कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मैं टोटली डेडिकेटेड हूं इस कोर्स के लिए। मुझे प्रेजेंटेशन बनाना होता है, नोट्स बनाना होता है, वेबिनार के लिए प्रिपरेशन करना होता है। वेबिनार करने के बाद 1-to-1 प्रैक्टिस करते हैं, एज वेल वेबिनार पर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। टाइम की बहुत क्राइसिस है मेरे पास फ्रेंड, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यूट्यूब वीडियोज भी बना पाऊं, ठीक।
ठीक है, इसीलिए YouTube वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है, इस बोर्ड लाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कांटेक्ट मीन्स फ़ोन नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप करना है। और अगर इंटरेस्टेड है, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको नॉलेज चाहिए, मैं देने के लिए सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, तैयार हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग भी ज्वाइन करें वो फार्मा के अंदर आ जाए और टॉप लेवल की कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करे। बस ज़रूरत है आपके इनिशिएटिव की, ज़रूरत है आपके एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की, ठीक है। तो ये जो नंबर है इस पर किसी भी मीडियम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे या अदर जो भी डिजिटल ऐप है पेमेंट के, उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अमेजन पे है, किसी भी मोड में जो भी डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है सभी इसके ऊपर एक्टिवेट हैं, सभी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई लोग बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना दे दिया है, ठीक है। इस अकाउंट नंबर पे भी जाके आप चाहें तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करने के बाद सिंपली आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसी बोर्ड लाइन नंबर पे जो आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, इसी नंबर पे आपको मुझे उसको स्क्रीनशॉट को शेयर करना है पेमेंट कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्मेशन होता है, मेरी तरफ से आपको दो ई बुक मिलते हैं फ्री में, ठीक है। दो ई बुक और भी ई बुक मिलेंगे, वो कोर्स के टाइम में मिलेंगे, बट जैसे आप एनरोलमेंट आपका होता है, दो ई बुक आपको मिलते हैं आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इमीडिएटली पेमेंट कंफर्मेशन होते ही, और आप इनरोल हो जाते हैं इस मेडिकल इम्यूनिटी इंटरव्यू प्रिपरेशन मास्टर क्लास के लिए। ये जो कोर्स है सेकंड बैच है वो 12 जून से स्टार्ट होने वाला है, मींस आपके पास 3-4 डेज का फ्रेंड टाइम है। इसके बाद इसका प्राइस मैं इंक्रीज कर दूंगा, 999 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर ट्रस्ट में आप एज्यूम भी नहीं कर सकते मैं कितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। जब से मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है उस दिन से आज तक मैं 3 आवर्स ज़्यादा सोया नहीं हूँ। कोर्स को पूरी तरह डिजाइन करने में, नोट्स देने में, प्रेजेंटेशन बनाने में और बहुत ही कोर्स को ईजी रखने में, ताकि हर एक कैंडिडेट इसको जो BA किया हुआ है वो भी समझ सके, वो भी लर्न कर सके, ठीक है, लर्नेबल बनाने के लिए। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर मीन्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ एनर्जी इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसका प्राइस मैं इंक्रीज करूंगा। जो नेक्स्ट बैच होगा वहां पे 999 मेरा अवेलेबल रहेगा, इसका प्राइस 999 होगा नेक्स्ट बैच के लिए, बट इस बैच के लिए 699 रहेगा, क्योंकि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं इस प्राइस को, ठीक है। तो 699 में अभी इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। दिस इज द 1 month डिजिटल ऑनलाइन कोर्स, 1 month ट्रेनिंग कोर्स मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि यहां पे मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, जैसा मार्केट में होता है उन चीजों को हम लर्न करते हैं, उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। और इतना मैं गारंटी देता हूं, इतना मैं चैलेंज करता हूं कि जो इस कोर्स के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, जो आपको नॉलेज मिलेगा, वो आपको आप कहीं भी ढूंढ लीजिए फ्रेंड, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या मार्केट जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको नॉलेज इस प्राइस में नहीं मिलेगा कहीं पे। दे आर कॉस्टिंग वेरी हाई, 30,000 to 60,000 रुपीज फॉर 1 month और 2 month कोर्स, विथ 1 advantage, दैट इज दे प्लेस्ड, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ मेरे प्लेसमेंट से कोई मतलब, ये सोचो कि सर मुझे आपको 699 पे करके मैं आपकी जॉब भी लगवा दूंगा, मैं आपके लिए वैकेंसी भी सर्च करूँगा, नो डियर, मैं यहाँ पे आपको प्रिपेयर करूँगा इंटरव्यू के लिए। वैकेंसी आपको सर्च करना है, तरीका मैं बताऊँगा कैसे वैकेंसी सर्च किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू आपको देना है, प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, टॉप कंपनी में बात कैसे करना है, आपको बात करना है, उसका टेक्निक्स मैं बताऊँगा, उसको ट्रिक्स मैं बताऊँगा, उसका हैक्स मैं आपको बताऊंगा, ओके। मींस आपके इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे इस कोर्स के टाइम पीरियड में, उतना ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे। और जो मेरा फर्स्ट बैच अभी स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच में बता दूं कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी बोल भी नहीं पा रहे थे, और प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है, वो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन और पूरा इंटरव्यू क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रहे थे और अब बिल्कुल फ्रैंक हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ ओनली प्रैक्टिस, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं कैमरे के ऊपर, ठीक है। और कैमरे के ऊपर अगर एक बार प्रैक्टिस करके आपने हैबिट डेवलप कर लिया, तो आप ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत इजी तरीके से क्रैक कर जाओगे और ऑनलाइन इंटरव्यू भी चुटकियों में क्रैक कर जाओगे, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मेडिकल इम्यूनिटी में बनना चाहते हैं, प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आने वाली है, लॉकडाउन के बाद जुलाई के ऑनवर्ड्स वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो ये आपको आपके लिए टाइम पीरियड है जिसमें अपने आप को एनरोल करके आप लर्न कर सकते हैं, ओके। तो बस इस वीडियो के यही एंड करता हूँ। जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, ये बोर्ड लाइन नंबर है, इस बोर्ड लाइन नंबर पर आपको डिजिटली पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके शेयर करना है। रिक्वेस्ट करना हो प्लीज़,
डोंट कॉल मी ऑन दिस नंबर बिकॉज आई एम टू मच बिजी. ठीक है, कोर्स पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं होता है डियर. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करिए ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे पाऊँ. ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में. और वीडियो अभी फ्रिक्वेंटली नहीं आएंगे क्योंकि कोर्स के साथ बिजी हूँ. जैसे कोर्स पूरा एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, देन कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.